किसान ट्रैक्टर ऑनर संघ की बैठक में सूरज ब्रह्मे ने की अध्यक्षता। 26 अगस्त को बैयर बिरसा एवं परसवाड़ा तहसील के ट्रैक्टर ऑनर बैयर में होंगे एकत्रित। बैयर में ट्रैक्टर ओनर संघ की बैठक समाज सेवी सूरज ब्रह्मे की अध्यक्षता में तथा आदिवासी नेता बैराग सिंह टेकाम की विशेष उपस्थिति में की गई। बैठक में सभी ट्रैक्टर ऑनर अपनी अपनी बात रखकर ट्रैक्टर मालिकों को आने वाली परेशानियों से अवगत कराया। बैठक में ट्रैक्टर संघ का नामकरण कर किसान ट्रैक्टर ऑनर संघ रखा गया। साथ ही इस समिति का पंजीयन कराने का प्रस्ताव पारित किया गया। समिति का गठन 26 को विधिवत किया जाएगा, जिसके लिए बैयर में 26 अगस्त को दोपहर 2 बजे से तीनों तहसीलों के ट्रैक्टर ऑनर शामिल होंगे। बैठक की अध्यक्षता कर रहे समाज सेवी सूरज ब्रह्मे ने कहा कि ट्रैक्टर ऑनर की समस्याओं को शासन प्रशासन से मिलकर उनकी समस्याओं का निदान निकाला जाएगा। बैठक में बिरसा से तरुण वर्मा, बैहर से शैलेंद्र पंचतिलक, अनिल बिसेन, रामप्रसाद वासनिक, इमारत सिंह मरकाम, सुरेश बंजारा, नासिर अली, मिलाप सिंह, भगवान सिंह, देवेंद्र असाटी, मुकेश चौधरी, रमेश चौधरी, भोजेश पटले एवं अन्य ट्रैक्टर मालिक उपस्थित रहे। MPCG 24 न्यूज एक्सप्रेस के लिए बिरसा से दीपक शरणागत की रिपोर्ट। परिचय बताएंगे। सूरज ब्रह्मे में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राष्ट्र निर्माण सेना से और ट्रक एसोसिएशन की अध्यक्षता में कर रहा हूँ बैठक की जी। और इस संबंध में आज यहाँ पर बैठक है। किस संबंध में बैठक, क्या क्या निर्णय लिए गए, क्या परेशानी आ रही है ट्रैक्टर एसोसिएशन वालों के सदस्यों को? देखिए क्या है, ट्रैक्टर जो मालिक हैं जी, बहुत परेशान हैं। चाहे वो बिरसा के हों, चाहे वो बैयर के हों, चाहे वो परसवाड़ा के हों, माननीय प्रधानमंत्री जी ने आवास योजना के अंतर्गत मकान बनाने के लिए जो आदेश पारित किए हैं उसके तहत स्वीकृत तो हो रहे हैं, लेकिन रेत की कमी के कारण बहुत से ऐसे लोग हैं जो मकान नहीं बना पा रहे हैं। और जब चूँकि हमारा जो क्षेत्र है वो आदिवासी क्षेत्र है, ये आदिवासी क्षेत्र में मात्र ग्रामीण क्षेत्र में 1.5 लाख रुपए दिए जा रहे हैं आवास के लिए, और शहरी क्षेत्र में 2,50,000 रुपये दे रहे हैं। तो शहरी क्षेत्र में 2,50,000 रुपये में भी वो मकान नहीं बन पाएगा जो गवर्नमेंट के उद्देश्य हैं, जो गवर्नमेंट चाहती है। चूँकि हमारे क्षेत्र का जो आदिवासी वो डंपरों में रेत नहीं बुला सकता, वो ट्रैक्टर से ही रेत बुलाता है। और जब ट्रैक्टर वाले रेत लाते हैं तो कभी फॉरेस्ट वाले उनको परेशान करते हैं, कभी पुलिस वाले उनको परेशान करते हैं, कभी राजस्व वाले परेशान करते हैं। और चलिए बड़ा अधिकारी पकड़े तो कोई बात नहीं, इस बड़े अधिकारी के जो अधीनस्थ तो जो छोटे कर्मचारी हैं चपरासी लेवल के, वो पकड़ कर उनसे 1,000 रुपये, 500 रुपये, 2,000 रुपये की मांग करते हैं और वो बेचारों को देना पड़ता है। ऐसी स्थिति में वो लेबर को भी पेमेंट करें, डीजल भी डलवाएं और मात्र 2,000 रुपये में ट्रैक्टर से रेत भी ढोएं, तो कहाँ उनको पढ़ना है। इस संबंध में यहाँ पे बैठक की गई है और आज हम लोगों ने एक प्रस्ताव पारित किया है कि ट्रैक्टर एसोसिएशन का यहाँ पे गठन किया गया है और गठन के पश्चात इसका 15 दिवस के अंदर इसका पंजीयन कराया जाएगा और इनकी जो भी परेशानियाँ हैं इस ट्रैक्टर एसोसिएशन के माध्यम से हल किया जाएगा। और अभी 26 तारीख को एक बैठक रखें जिसमें बिरसा परसवाड़ा क्षेत्र के सारे ट्रैक्टर मालिक यहाँ पर उपस्थित होंगे और ये इनकी समस्या को माननीय मुख्यमंत्री जी को और महामहिम राज्यपाल जी को SDM बैयर के माध्यम से हम ज्ञापन के माध्यम से सौंपेंगे और उनकी समस्या को हल करने का निवेदन करेंगे। चलिए ठीक।